एक नए शोध के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से SARS-CoV-2 का उद्भव हो सकता है। यही कोरोना वायरस का मुख्य कारण है। यूके के शोधकर्ताओं का कहना है कि पिछली सदी में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ने चमगादड़ों के वन निवास की वृद्धि को बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से दक्षिणी चीन का यूनान प्रांत मुख्य रूप से कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना है। चमगादड़ कई जेनेटिक वायरस के भंडार के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें सार्स कोव, मर्स और इबोला जैसे वायरस शामिल हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि सार्स कोविड 2 चमगादड़ों से फैला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि वैज्ञानिक अभी भी कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगा रहे हैं, इस हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन के चयनकर्ताओं ने माना कि वुहान में उनका अनुसंधान यह बताने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है कि कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में कैसे फैला। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता डॉक्टर रॉबर्ट बायर का कहना है कि पिछली सदी में हुए जलवायु परिवर्तन से दक्षिणी चीन का यूनान प्रांत चमगादड़ों के लिए उचित और टिकाऊ जगह बन गया है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को जानने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप चमगादड़ की प्रजातियों का वैश्विक फैलाव कैसे बदल गया है। शोध में पाया गया कि दक्षिणी चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार और लाओस के निकटतम क्षेत्रों में पिछली सदी में वनस्पति में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। जी हां, जलवायु परिवर्तन में तापमान में वृद्धि, सूर्य की किरण, वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है जो पौधे और पेड़ के विकास को प्रोत्साहित करता है। इससे उष्णकटिबंधीय झाड़ी से उष्णकटिबंधीय सवाना में प्राकृतिक आवास बदल गए हैं। इस बदलाव से कोरोना वायरस फैलाने वाले कई चमगादड़ प्रजातियों को उपयुक्त वातावरण मिला जो मुख्य रूप से जंगलों में पनपने के लिए रहते हैं। शोध में पाया गया कि इस बदलाव की वजह से यूनान में उन चमगादड़ों ने वास किया जो 100 से ज़्यादा तरह के चमगादड़ जनित कोरोना वायरस को अपने शरीर में रखते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप चैनल को